थाना ज्वालामुखी के अंतर्गत धरंग पंचायत में एक पेंटर ने कमरे में ही फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर लिया है और मामले की छानबीन की जा रही है। मामले की पुष्टि डीएसपी तिलकराज ने की है। जानकारी के अनुसार दोपहर बाद पुलिस को सूचना मिली कि धरंग में एक व्यक्ति ने अपने किराए के कमरे में फंदा लगा लिया है। सूचना मिलने पर डीएसपी तिलकराज, थाना प्रभारी मनोहर चौधरी व पुलिस टीम मौके पर पहुंची। मौके पर कमरे के दोनों दरवाजे अंदर से बंद थे। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर व्यक्ति के शव को कमरे से उतारा और पोस्टमार्टम के लिए देहरा भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उक्त व्यक्ति अपने परिवार के साथ पिछले 20 वर्षों से किराए के मकान में रह रहा था। व्यक्ति के 4 बेटे व 2 बेटियां हैं। जब व्यक्ति ने फंदा लगाया तो घर पर कोई भी मौजूद नहीं था। व्यक्ति की पत्नी भी झाड़ू पोछा बर्तन का कार्य करती है, जबकि 2 बच्चे घर में थे, बाकी सभी अपने अपने काम पर थे। जब व्यक्ति ने फंदा लगाया तो घर पर कोई भी मौजूद नहीं था। व्यक्ति की पहचान बलविंदर, उम्र 50 वर्ष के रूप में हुई है और होशियारपुर पंजाब का रहने वाला था। डीएसपी तिलकराज ने बताया कि दरंग में एक व्यक्ति जो पेंट का कार्य करता था, उसने कमरे में फांसी लगा ली है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाही की जाएगी। दरंग पंचायत में एक जो बलविंदर नाम का व्यक्ति है जो पेंट करने का काम करता है, इसने अपने जो जहाँ रहता उस घर में आज फांसी लगा ली अपने आप को। हम 174 में भी कार्रवाई कर रहे हैं। उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद जो भी जैसी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई कर दी जाएगी।